हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपने बैंकिंग एनालिसिस के टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जिसके में हम आज सीखेंगे परफ्यूज रिपोर्ट के एनालिसिस के बारे में कुछ टिप्स, और मतलब कैसे करना है उस एनालिसिस को पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, मतलब आज एक आइडिया दूंगा आपको डिटेल में। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम अपना। देखिए, फुल परफ्यूज रिपोर्ट और एक्चुअल परफ्यूज रिपोर्ट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एक क्लाइंट की पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको मैं अपनी पर्सनल आईडी पे नहीं कर सकता। तो मैंने एक बैंकिंग का एक एक्सेल शीट तैयार किया है अपने हाथों से, जिसमें रैंडम मैंने कोई भी नंबर्स फिगर्स डाल के, कोई भी पार्टीज के नाम डाल के मैंने एक डिटेल तैयार की है काफी टाइम लगा के। तो इसके अंदर अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि ये जो जैसे शीट है आपके सामने, जिसमें एक सारी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक पूरी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है। तो जो ये ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, ऐसी ही शीट एक परफ्यूज में होती है। देखिए, परफ्यूज एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है परफ्यूज, जो बैंक स्टेटमेंट की एक समरी एनालिसिस आपको बना के दिखाती है। तो जो समरी एनालिसिस में काफी सारी एक्सेल शीट्स उन्होंने दी होती हैं, काफी सारी डाटा उन्होंने आपके सामने रखा हुआ होता है, बट उसमें से हर डाटा यूजली कोई भी नहीं देखता। तो हमने जो क्या पकड़ना है, उसमें एक एक्सएनएस शीट या एक लेंथी वाली शीट होती है, जिसमें बेसिकली सारी बैंकिंग की एक एक्सेल शीट शेप दी गई होती है। तो कुछ इस तरह से वो नजर में आती है शीट, जिसमें सीरियल नंबर्स होते हैं, डेट मेंशनड होती है, डिस्क्रिप्शन जो बैंकिंग नरेशन है वो मेंशनड होती है, आपके डेबिट्स आपके क्रेडिट्स वो मेंशनड होते हैं, कैटेगरी मेंशनड होती है कि कैटेगरी जो बेसिकली परफ्यूज अपने एनालिसिस के थ्रू ड्राइव करता है कि ये जो एंट्री है वो कौन सी कैटेगरी में ऑल टुगेदर फॉल कर रही है। ये परफ्यूज का एक एनालिसिस दिया गया होता है। तो उसके साथ एक बैलेंस वाला कॉलम चलाया गया होता है कि कितना कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस ट्रांजेक्शन के बाद। तो कई बार आप देखेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट का एक सिंगल कॉलम ही होता है अमाउंट वाला, जिसमें डेबिट और क्रेडिट को हाथ के हाथ एक जगह पे मर्ज कर दिया जाता है परफ्यूज के अंदर। तो डिफरेंट तरीके से परफ्यूज, जैसे कंपनी वाइज मैंने ऑब्जर्व किया अपने करियर में कि कंपनी वाइज परफ्यूज ने अपना प्लेटफॉर्म एक अलग तरीके से कंपनी की बैंक या एनबीएफसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मैनेजमेंट ने उनको बोला हो तो उसके हिसाब से डिजाइन करके प्लेटफॉर्म उनको दिया होता है, और उसी तरीके से वो यूज करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप अपना परफ्यूज रिपोर्ट को खोले एज एन अंडरराइटर, तो इस शीट को ढूंढे जिसमें सारी बैंकिंग जो है, जो स्टेटमेंट आपने अपलोड की है परफ्यूज में, उसका एक एक्सेल शेप दिया गया हो। तो उसमें से अब हमें इसकी समरी कैसे बनानी है, अब वो ध्यान से देखिएगा। तो इसको हमने ना डेबिट्स जो है, यानी कि डेबिट सबमिशंस जो पेमेंट्स वाला साइड है, उसका समरी एक अलग तैयार करना है, और जो क्रेडिट्स यानी कि डिपॉजिट्स वाली साइड है, इसका समरी हमने एक अलग तैयार करना है। तो मैं आज आपको सिर्फ क्रेडिट्स वाली समरी बना के दिखाऊंगा, जस्ट एक एक्सेल में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो डेबिट वाला काम है वो बिल्कुल सेम एज इट इज ही है, वो आप ऑल टुगेदर अपने आप ही समझ जाएंगे, मेरे को समझाने की सेपरेटली उसकी कोई भी जरूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास जो मैंने बनाया था, तो मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग बनाए हुए हैं। आपके पास परफ्यूज रिपोर्ट हो सकती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट सिंगल एक कॉलम में हो। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि सबसे टॉप वाली रो पे हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट करूंगा, और यहां पे डाटा में जाके फिल्टर को अप्लाई करूंगा। फिल्टर को अप्लाई करते ही मैं जो क्रेडिट साइड पे जो ब्लैंक वाली एंट्रीज है, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सबसे नीचे जाऊंगा और ब्लैंक्स वाली सारी एंट्रीज को हटा दूंगा। तो मेरे पास जो रोज हैं जिनमें कोई ना कोई एंट्री आई है, ये सारी आ जाएंगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस सारे चीज को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन वाला एरो प्रेस करके ये सारी शीट की सिलेक्शन आ जाएगी। इसको कॉपी करूंगा, एक नई शीट खोलूंगा, यहां पे नई शीट खोलूंगा जिसका नाम रखूंगा क्रेडिट शीट। तो उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा जो मैंने पिछली शीट में कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, डेबिट वाले कॉलम की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब खाली ये क्रेडिट वाला बना है, इसको रीनेम करके अमाउंट कॉलम इसका नाम रख देते हैं, कैटेगरी एंड बैलेंसेस। तो ये चीज आपके सामने आ गई। तो देखिए, अगर आपको एज इट इज मैं बोलूं कि क्रेडिट्स को रीड करें, तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव टाइम लगेगा कि ये चेक करने में कि कौन कौन सी एंट्रीज आ रही हैं, कौन सी डेट्स को आ रही हैं। जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें टोटल 1242 ट्रांजेक्शन हैं। तो इन ट्रांजेक्शन को समझते हुए, इन ट्रांजेक्शन को देखने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आजकल बैंकिंग सेक्टर बहुत फास्ट हो गया है, तो हमें बहुत ज्यादा क्विक डिसीजनिंग भी देनी होती है।
तो बहुत जल्दी और क्विकली एनालिसिस कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सारी शीट को फिर से सिलेक्ट कर लूंगा, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो डिवाइड करूंगा तो मेरी सारी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो शीट सिलेक्ट की तो मैं उसके बाद गया इंसर्ट पे, इंसर्ट पे मैं गया पाइवट, पाइवट टेबल, पाइवट टेबल पे गया और मैं चाहता हूं कि ये नई वर्कशीट में पाइवट टेबल ही लगे इस सारी सिलेक्शन का, तो मैंने ओके कर दिया। तो हम एक देखिए एक शीट फाइव करके खुल गई है, तो इसका नाम हम रख देते हैं क्रेडिट पाइवट, कि क्रेडिट साइड का हमने पाइवट लगाया हुआ है, इसका नाम क्रेडिट पाइवट रख देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे डाटा इनपुट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये शीट होती है ये तो डिस्क्रिप्शन जो होती है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में नरेशन आ रही है, और जो कैटेगरी है जो परफ्यूज ने उसको एक समराइज्ड बना के इसको एक ग्रुपिंग दी है कि भाई ये किस कैटेगरी की ट्रांजेक्शन लग रही है। हाँ वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, ये हमने बाद में देखना है। तो फिलहाल हम इसके ऊपर चलते हैं। तो ये कॉलम को याद रखिए, ये कैटेगरी वाला कॉलम है आपका, ये अमाउंट वाला, ये डिस्क्रिप्शन, ये डेट और ये बैलेंस, ठीक है। तो क्रेडिट पाइवट की शीट पे गए जो पाइवट लगा था, तो हमने क्या करना है कि जो कैटेगरी वाली शीट है, जो कैटेगरी है इसको पिक करके रो वाले जगह पे ले आना है। जो अमाउंट है, जो हमारा जमा की राशि है, अमाउंट है, उसको वैल्यू वाली जगह पे ले आना है। कितनी बारी? तीन बारी, थ्री टाइम्स, वन टू एंड थ्री, तीन बारी में अमाउंट को यहां पे ले आया। मेरे सामने पार्टी का नाम आ गया, पार्टी के सामने उनकी अमाउंट का अमाउंट आ गया, सम ऑफ अमाउंट आ गया। तो अब मैं यहां पे जैसे अमाउंट पे क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक किया, अब मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं यहां पे करूंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग और इसमें कर दूंगा काउंट। तो मेरे पास आ गया कि जैसे ए आर यार्न एजेंसी है तो उससे 86,76,315 बार आए और टोटल 24 एंट्रीज आई, काउंट ऑफ सम कितना है 24, ठीक है। इसको मैं एज इट इज रखने दूंगा और यहां पे आऊंगा, सिंगल क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, कि इसको परसेंटेज के रूप में दिखा दो कि भाई मेरा जो क्रेडिट्स हैं, अगर क्रेडिट्स मेरे 10 करोड़ या जितने भी अमाउंट की बनते हैं उसमें से ये कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एंट्री, उसमें से ये एंट्री कितने परसेंट अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये मैंने कर लिया। तो उसके बाद मैं ये बाहर वाली जगह पे एक सिंगल क्लिक मारूंगा तो पाइवट से थोड़ा सा एग्जिट हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या आऊंगा, अपने डाटा में आऊंगा और फिल्टर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। और सम ऑफ पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं कर दूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अब मेरे पास एक डाटा आ गया कि भाई 16% ट्रांजेक्शन यहाँ से आ रही हैं, 10-11% ट्रांजेक्शन यहाँ से आ रही हैं, 8% ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ रही हैं, 6% यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं अगर इनका टोटल लगाऊं, तो अगर मेरी 100% बैंकिंग है तो मैं टोटल लगाऊं तो 67% ट्रांजेक्शन मेरी इन्हीं पार्टी से आ रही हैं, 67% मेरा धंधा जो हो रहा है वो इन्हीं पार्टी से हो रहा है। तो देखिए एक समरी मेरे सामने बन के आ गई, एक टोटेलिटी में बन के आ गया कि भाई ये पार्टीज हैं जिनके साथ मेरा काम ज्यादा हो रहा है। अब हाँ, उसके अंदर आप बोलेंगे कि सर HDFC बैंक लिमिटेड के साथ क्या पेमेंट आ रही है, तो वो आपका एनालिसिस का पार्ट है। आप यहाँ पे क्रेडिट शीट में जाइए, अगेन यहाँ पे डाटा में जाके फिल्टर अप्लाई कीजिए और चेक कीजिए। देखिए जो आपकी जो पाइवट शीट है, ये जो पाइवट शीट हमने लगाई है ये क्रेडिट शीट के साथ लिंक्ड है, यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो क्रेडिट शीट पे जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे आप कैटेगरी में जाके HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक, तो आप इन ट्रांजेक्शंस को स्टडी कीजिए कि भाई ये ट्रांजेक्शंस HDFC बैंक की कहाँ से आ रही है, कोई लोन तो नहीं डिसबर्स कराया इसने, कोई लोन तो नहीं ले रखा। तो आई थिंक ये जो ट्रांजेक्शंस हैं आपकी सिर्फ ट्रांसफर एंट्रीज काइंड वो है, पार्टी ने पेमेंट ट्रांसफर की है ऑनलाइन, तो वो पेमेंट ट्रांसफर क्रेडिट हो रही है यहाँ पे HDFC बैंक से आके, कोई भी तरह की लोन की एंट्री नहीं नजर आ रही इसके अंदर। तो ये आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, जैसे आपके इस केस में HDFC बैंक से जो ट्रांजेक्शंस है खाली 3-4% ही है तो टोटल ट्रांजेक्शंस का, तो खाली आप इस चीज को सोच सकते हैं कि सर चलो 3-4% ही है और लुक वाइज बाय लुक ऑफ इट बाय फेस ऑफ इट ऐसे कोई लग नहीं रहा कि इसने कोई लोन लिया है या कुछ इस तरह से है, पार्टीज की ही पेमेंट लग रही है, जैसे कोई राउंड फिगर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन आ रही है पार्टीज के अंदर। हाँ ऑफ कोर्स कोई लार्जर पेमेंट हो तो आप लार्जर पेमेंट यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कोई लार्ज पेमेंट तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ आपको जो समझाने जा रहा था वो समझाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है
अंकुश निटिंग वर्क्स, अंकुश निटिंग वर्क्स से 10 एंट्रीज हैं 62 लाख रुपए की। अब आप अगर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो एक सेकंड मैं सर्च करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए अंकुश निटिंग वर्क्स 12 एंट्रीज, अंकुश निटिंग वर्क्स 10 एंट्रीज। तो बेसिकली सेम फॉर्म से ही पेमेंट आई है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों शो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट यू शुरू कर रहा है क्योंकि बैंक ने जो जिस बैंक में ये ट्रांजेक्शन हुई है उसने जब नरेशन डाली, किसी ने स्पेस नहीं डाला, किसी ने स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट है वो सेम पार्टी से पेमेंट। तो आपको इसकी सेटिंग करनी है, तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है इनकी आपको सेटिंग करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए, क्योंकि आपका ये क्रेडिट वाला शीट ही लिंक्ड है प्राइवेट के साथ, तो ये क्रेडिट में जाइए, तो यहाँ पे अंकुश नाम की एंट्री को सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने ये सारे फिल्टर हटा दिए, ये देखिए दो एंट्रीज हैं अंकुश नाम की मैंने सिलेक्ट किया, इन दोनों की उसमें नरेशन में थोड़ा थोड़ा ये कैटेगरी वाइज में फर्क है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो अंकुश निटिंग वर्क्स के स्पेलिंग कुछ और तरह से लिखे गए हैं, यहाँ पे कुछ और तरह से लिखे गए हैं। तो मैं इनको एक कॉमन नाम में सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर फ्रॉम अंकुश निटिंग वर्क्स, खाली मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस नाम से ही आए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउनवर्ड एरो तो सारा सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, तो मेरा एक स्टैंडर्ड यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम अंकुश निटिंग वर्क्स लिखा आ गया, स्टैंडर्ड लिखा आ गया ट्रांसफर फ्रॉम अंकुश निटिंग वर्क्स। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट पाइवट में जाऊंगा, क्रेडिट पाइवट में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और उसको रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो वो जो डबलिंग थी वो ठीक हो गई, क्योंकि मैंने पीछे ठीक कर दिया, तो यहाँ पे जो पहले 10 और 12 करके दो अलग अलग एंट्रीज आ रही थी, तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग होके एक सिंगल एंट्री बन गई, सिंगल एंट्री बन गई, और इसका परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो जब ये पाइवट अप्लाई करें तो आपको 15-20 मिनट इस चीज में स्पेंड करने पड़ेंगे कि जो ये ग्रुपिंग्स हो रखी हैं, जो ये एंट्री सेपरेट सेपरेट नाम से आ रही हैं जस्ट स्पेलिंग एरर की वजह से, बट वो है सिंगल पार्टी से ही, तो उनकी ग्रुपिंग करके उनको सिंगुलर बना लीजिए, जैसे कि मैंने ये आपके एग्जाम्पल में किया। बट हाँ, इसमें भी एक चीज आपके समझने वाली ये है कि बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, सिर्फ उनका कीजिएगा जिनकी ट्रांजेक्शन आपको बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका अब मैंने अंकुश निटिंग वर्क्स का कर तो दिया, बट यहाँ पे भी मैं अगर चेक करूं तो इन पार्टीज का ही मेरा 60-75% काम, 80% रेदर देन, यहाँ पे आप देखिए नीचे 79.87% जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो इन्हीं पार्टीज से कवर होगी जिनका नाम मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कवर हो रहा है तो फिर आप इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को करेक्ट करने का काम छोड़ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने समझ लिया, तो अब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये जैसे ये राकेश धीर है, राकेश धीर के नाम पे पेमेंट क्यों आ रही है, तीन पेमेंट्स आई हैं 18,01,82,00,000 रुपए की, तो ये आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट है कि इंडिविजुअल नाम से पेमेंट क्यों आई है। तो हम यहाँ पे आके देखेंगे कि भाई कब कब पेमेंट आई है, राकेश धीर का नाम चेक किया और देखा कि भाई 1 अक्टूबर को, 14 जनवरी को और 17 जनवरी को 1,56,26,00,000 ये पेमेंट्स क्यों आई गई हैं भाई इस पर्सन के साथ। अगर आप टोटैलिटी में अगर सिर्फ आप एक्सेल शीट देख के इसका एनालिसिस करने बैठते हैं या फिजिकल बैंकिंग में एनालिसिस करने बैठते हो तो शायद आपको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बट इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पकड़ना कंपेरेटिवली ईजी है। तो जो जो क्लाइंट से पूछने वाली एंट्रीज हैं उनको आप येलो हाईलाइट कर लीजिए और अपने उसमें नोट कर लीजिए कि भाई ये एंट्रीज मैंने समझनी है क्लाइंट से। अब जैसे ICICI बैंक से पेमेंट आ रही है, ICICI बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये कौन सी पार्टी से पेमेंट आ रही है, 1,73,00,000 रुपए की पेमेंट्स हैं। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यूजली ये पार्टीज की चेक होंगे, ये पार्टीज की पेमेंट होंगी। अब जैसे दीप बंसल इंडिविजुअल के नाम से 50,00,000 रुपए आए हैं, तो ये क्यों आए हैं 50,00,000 रुपए क्लाइंट को इंडिविजुअल से, क्या ये कैपिटल इन्फ्यूजन है या इसने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, क्या किया है इसने। सानिया जैन से पेमेंट आई है क्लाइंट को, मंजू धीर से पेमेंट आई है क्लाइंट को 18,00,000 रुपए की। तो ये सारी चीजें जो डाउटफुल हैं उनको आप येलो हाईलाइट कर लीजिए। तो नीचे जाएंगे और आपको ट्रांजेक्शन इसी तरीके से सिमिलर तरीके से मिल सकती हैं। क्रेडिट वाली साइड पे कोई डिपॉजिट्स जैसे आपको दिख रहे हैं, कोई यहाँ पे आपको कोई और एनी अदर आउटवर्ड चेक बाउंसिंग या कुछ चेक बाउंसिंग्स दिख जाएं तो वो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको क्रेडिट वाली साइड पे जाके स्पेसिफिकली चेक कर लीजिए कि ये किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस चीज को समझिए और अंडरस्टैंडिंग बनाइए इस चीज की। एक तो ये शीट हो गई, इस शीट में आपको जो मेन मेन पार्टीज हैं, मेन मेन जो एंट्रीज हैं उनकी ग्रुपिंग कर देना है, जैसे मैंने अंकुश निटिंग वर्क्स के एग्जांपल्स में आपको करके दिखाया।
तो जैसे आप ग्रुपिंग कर देंगे तो आपके पास एक समराइज रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। तो सिमिलरली मैं इसमें कुछ और भी डाटा निकालना चाहता हूं। अब और डाटा मैं कैसे निकालूंगा, अब या तो मैं क्रेडिट वाली साइड पे जाकर दोबारा पाइवट लगाऊं, पर मैं चाहता हूं कि पाइवट भी मेरा लगा रहे और इसी क्रेडिट शीट के साथ ही लिंक्ड रहे, मेरे को कुछ ज्यादा छेड़छाड़ ना करनी पड़े। तो मैं यहां पे क्रेडिट पाइवट वाली जो शीट है इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, शीट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मूव के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं करूंगा क्रेडिट पाइवट। क्रेडिट पाइवट वाली शीट को मैं क्रिएट अ कॉपी कि इसकी मैं एज इट इज एक कॉपी तैयार करना चाहता हूं, इसकी एक एज इट इज कॉपी तैयार करना चाहता हूं। ये देखिए एक क्रेडिट पाइवट की एक अलग कॉपी तैयार होगी, एक कॉपी तैयार होगी जो कि किसके साथ लिंक्ड है, क्रेडिट शीट के साथ ही लिंक्ड है। ठीक है, तो इसमें मैं एक डिफरेंट तरीके का एनालिसिस करके देखना चाहता हूं। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। मैं चाहता हूं कि अब मैं ये कैटेगरी पार्टी वाइज ना देखूं, मेरे को मंथ वाइज रिपोर्टिंग चाहिए कि मंथ वाइज कितना कितना क्रेडिट आया। तो मैं ये क्रेडिट कैटेगरी वाली शीट पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक लिंक्स खाली क्लिक करूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव किया तो मैं जो डेट है, डेट वाला कॉलम अपने रो में ले आऊंगा। डेट वाला कॉलम मैं रो में ले आया तो देखिए डेट वाइज एंट्रीज आ गई कि देखिए 12 तारीख को कितने क्रेडिट्स आए, 13 तारीख को कितने क्रेडिट्स आए। पर ये भी डाटा बहुत ज्यादा लेंथी है, मेरे को डेट वाइज नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डेट पे एक सिंगल क्लिक मारूंगा, सिंगल क्लिक मार के उसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके ग्रुपिंग टैब पे जाऊंगा। ग्रुपिंग टैब पे गया और मंथ्स और ईयर्स, मैं चाहता हूं मंथ और ईयर वाइज मेरे सामने ये डाटा आ जाए, तो इसको ओके करूंगा। तो देखिए मेरे पास ये मंथ और ईयर वाइज आ गया कि 2021 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिमिलरली 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना कितना नंबर ऑफ क्रेडिट्स कितने कितने आए, टोटल परसेंटेज ऑफ क्रेडिट कितने थे कि अप्रैल में मेरी 10% चर्निंग आई है, यहाँ पे 7% आई है। तो मेरे पास एक ट्रेंड भी आ गया कि कौन से महीने में क्लाइंट की चर्निंग ज्यादा आ रही है। अगर सीजनल बिजनेस हो तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। ठीक है, कौन से महीने में ज्यादा क्रेडिट्स आ रहे हैं, कौन से महीने कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ऑफ क्रेडिट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रेडिट्स उसके काफी कम हो गए हैं। करेक्ट, तो कौन से महीने में इन पर्टिकुलर ज्यादा चर्निंग आ रही है और वो क्यों आ रही है, ये सब क्वेश्चंस वाले पॉइंट बन जाते हैं क्लाइंट से पूछने वाले। तो हालांकि जो प्रोफ्यूज रिपोर्ट आप बनाते हैं, प्रोफ्यूज रिपोर्ट आपके सामने बैंक प्रोवाइड करता है, उसमें एक एनालिसिस वाली शीट एक अलग से होती है जिसके अंदर इस तरह से एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मंथ वाइज आपके पास डिटेल आया हुआ होता है। बट मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि वो इतना ज्यादा रीडेबल और इतने ज्यादा मजेदार नहीं होता जितना ज्यादा रीडेबल और अंडरस्टैंडिंग ये आपको दिख रहा है, क्योंकि इसको आप सिंपल अपने यहाँ पे कॉपी करके अपने वर्ड नोट में या जो भी आप अपना प्रपोजल नोट बना रहे हैं मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस प्रपोजल फॉर्म में भी ले जाएंगे तो आप मैनेजमेंट को भी देखने में बहुत रीडेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा लगेगा ये समझने में। तो एक ये काम भी आप साथ में कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज भी देखना चाहता हूं, मैं और चीज देखना चाहता हूं कि भाई मेरी पार्टी वाइज और मंथ वाइज पेमेंट कैसे आई है, कि हर एक पार्टी ने मेरे को कौन कौन से मंथ कितनी पेमेंट्स की हैं। तो देखिए वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं अगेन एक कॉपी क्रिएट करूंगा पाइवट की, मैं एक कॉपी क्रिएट करता हूं पाइवट की, मूव और कॉपी, कोई भी क्रेडिट पाइवट या जिसकी भी मर्जी आप कॉपी तैयार कर लीजिए, मैं क्रेडिट पाइवट की तैयार कर देता हूं, क्रिएट अ कॉपी, मैंने इसकी कॉपी तैयार कर दी। तो ये थर्ड शीट एक मेरे सामने आ गई, अब ये थर्ड शीट आ गई। तो थर्ड शीट में पहले तो मैं सारा कुछ रिमूव कर देता हूं, सिंगल क्लिक मारेंगे रिमूव फील्ड, सिंगल क्लिक रिमूव फील्ड, रिमूव फील्ड मैं खाली कर देता हूं पहले सारा, रिमूव फील्ड, रिमूव फील्ड। तो आपके सामने एक खाली पाइवट टेबल आ गया। तो इसके अंदर अभी आपको क्या करना है, जैसे हमने सबसे पहले किया था कैटेगरीज को रो वाली साइड पे ले आइए, कैटेगरी को रो वाली साइड पे ले आए, देन हम अमाउंट को वैल्यू वाली साइड पे ले आए, देन जो डेट है उसको हम कॉलम वाली साइड पे ले आए। अब जैसे ही आप ये लेके आए तो आपके सामने देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डाटा खुल के आ गया। अभी इसको मैं डेट पे जाके ना, डेट पे जाके राइट क्लिक करके इसको ग्रुपिंग करूंगा मंथ्स एंड ईयर्स में, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर वाइज आ गया। अब ये देखिए कितना बढ़िया चीज आपके सामने आ गई कि एआर यान एजेंसी से अप्रैल में कितनी पेमेंट आई, मई में कितनी पेमेंट आई, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में और ये 2022 में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कितनी पेमेंट आई और टोटल इतनी पेमेंट आई इनसे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अदर पार्टी वाइज भी आ गया आपके सामने कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के हिसाब से कि अलाउ कौशल है या कोई भी है तो किस तरह से किस तरीके से पेमेंट आई आपको।
इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं कि जो सबसे लार्ज पेमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्ट हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जो लार्ज परसेंटेज है वो आपके सामने पहले आ जाए। आप जिस तरह से भी इसको डिजाइन करना चाहे आप कर सकते हैं, बट आपके सामने एक इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आ गई कि पार्टी वाइज पेमेंट आपको किस तरीके से आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये अप्रैल 21 का महीना है, आपके पास 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट होती है जिसमें एक डेटर लिस्ट होती है आपके पास, उसमें मान लीजिए ए लिमिटेड का 1 करोड़ रुपया रिसीवेबल खड़ा है कि ए लिमिटेड से 1 करोड़ रुपया लेना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ए लिमिटेड से 1 करोड़ रुपया कितने महीनों में आया, कब तक कंप्लीट हुआ ए लिमिटेड से, करेक्ट। तो ये चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अफकोर्स जो कुछ एंट्रीज हैं, जैसे ये बैंक के नाम पे एंट्रीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये अलाहाबाद बैंक के नाम से एंट्री आ रही है, तो हो सकता है कि ए लिमिटेड ने अलाहाबाद बैंक के नाम पे आपको पेमेंट भेजी हो, पर अगर आपका जो जैसे ए लिमिटेड के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ी पार्टी है, आपका बहुत बड़ा डेटर है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, पर आपको यहाँ पे पेमेंट कहीं पे भी ट्रैक नहीं हो रही क्योंकि ए लिमिटेड का स्पेसिफिकली कहीं पे नाम नहीं आ रहा, तो क्लाइंट से आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर आपकी ए लिमिटेड की पेमेंट कहाँ पे आ रही है, तो वो आपको बताएगा कि इस डेट को पेमेंट आई है, तो आप चेक कर लीजिए कि वो कहीं अलाहाबाद बैंक की नरेशन से तो नहीं रिफ्लेक्ट कर रही। तो इस तरीके से आप इस चीज को टैली कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं अपनी परफ्यूज एनालिसिस के ऊपर। तो जब भी परफ्यूज एनालिसिस हम अपने, एटलीस्ट मैं अपने बैंकिंग में करता हूं, तो चलिए इतनी शीट्स कई बार नहीं भी बनाते टाइम के हिसाब से, बट खाली ये शीट तो मेरे पास हमेशा बन के ही आती है और मैं खुद भी जब मेरे को टाइम मिले तो मैं इस शीट को बनाता ही बनाता हूं। तो इस शीट की भी कोशिश होती है कि अगर मेरे को ज्यादा इनडेप्थ किसी पार्टी के बारे में जानना है कि ये पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टी से आपकी जो मान लीजिए यहाँ पे जो आपको पेमेंट है, मान लीजिए सुभाष से पॉलिटेक्स से ये आपको 5 करोड़ 27 लाख की जो पेमेंट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है 47 एंट्रीज के थ्रू। मैं कहता हूँ कि सारी पेमेंट्स ही मार्च के महीने में आई हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि रेगुलर डीलिंग हो रही है इसकी नहीं हो रही इसके इस पर्सन के साथ, तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ आपको किस तरह से क्रेडिट्स आ रहे हैं उनके साथ। ऐसे तो नहीं है कि खाली एक महीने में ही क्रेडिट सर्कुलेटेड है, तो वो भी एक कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है कि बड़ी पेमेंट सिर्फ खाली एक महीने में ही आई है तो रेगुलर डीलिंग है ही नहीं, कोई नई पार्टी जुड़ी है, क्या है क्या नहीं। तो 3600 तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं समझने के लिए क्लाइंट के बिजनेस मॉडल के हिसाब से। तो यही था मेरा पर्पस आज के वीडियो को समझाने का, तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं था ऑफकोर्स, तो एक जस्ट एक स्टार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और परफ्यूज को पढ़ने की, रीड करने की, समझने की कोशिश करेंगे या कुछ और चीजें जो बैंकिंग एनालिसिस के ऊपर है उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है आज की वीडियो में, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट संडे मिलूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।